नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं पीएमए विद्या चैनल चैनल नंबर चार और एनसीआर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपने सभी देखने वालों का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में जिसमें हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के फोर्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और जो टॉपिक है हमारा वो है स्मार्ट चार्ट आपको स्मार्ट चार्ट के बारे में बताया जाएगा बच्चों और आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चलिए उनसे परिचय लेते हैं आप हैं मिस मानसी पोपली आप रिसर्च स्कॉलर हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है मानसी थैंक यू मैम और इससे पहले कि हम अपना ये सेशन स्टार्ट करें बच्चों अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि किस तरह से आप अपनी क्वेरीज <coughs> के साथ हमसे जुड़ सकते हैं आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन या फिर आप हमें ईमेल करेंगे हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है डी टी एच डॉट क्लास फोर एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं यानी कि एन सी आर टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हैं तो लाइव चैट बॉक्स पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं या फिर अपने से बड़ों से आप कमेंट करवा भी सकते हैं कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो फील फ्री टू कनेक्ट टू अस आप इन वेरियस मीडियम्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमसे जुड़ें स्मार्ट चार्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो मानसी जी क्या है ये स्मार्ट चार्ट हाँ तो बिल्कुल बच्चे नाम से ही सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कौन से चार्ट्स हैं जो कि स्मार्ट होते हैं एक्सैक्टली exactly. तो बच्चों की इस क्यूरियोसिटी को बनाए रखने के लिए हम ये कहेंगे कि बच्चों ये तो इस प्रश्न का सवाल हम बिल्कुल अंत में देंगे कि आखिर इनको स्मार्ट चार्ट्स क्यों कहते हैं हो सकता है बीच में ऐसे कई मौके आ कि आप खुद ही समझ जाए कि आखिर हम इनको स्मार्ट चार्ट्स कहते हैं तो क्यों कहते हैं और टीचर्स एंड पेरेंट्स के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि एक ऐसा पार्ट है जो बच्चे पहली कक्षा से लेके अपने स्कूल के अंत तक करते ही रहते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या है सिर्फ स्मार्ट चार्ट इसी कक्षा के लिए नहीं हर आगे के जो बड़े भाई बहन हैं उनके या छोटे बच्चे भी हैं वो भी इस पार्ट को देख कर बहुत कुछ सीख सकते हैं और स्मार्ट चार्ट में आखिर क्या क्या आता है स्मार्ट चार्ट में हम डेटा को हैंडल करते हैं आखिर वो डेटा है क्या डेटा तो हर चीज़ है अब कल ही की बात है कि मेरे मैं जहाँ स्कूल में जाती हूँ वहाँ पे कुछ बच्चे थे अब उनको पता लगाना था कि कौन सा ऐसा खेल है जो सब बच्चे खेलना पसंद करते हैं तो बच्चों ने क्या किया बट हमारे जैसे कक्षा चार में तीन ए बी सी ऐसे करके तीन कक्षाएं थी तो बच्चों ने क्या किया वो अलग अलग कक्षाओं में गए और उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है तो कुछ बच्चों ने क्रिकेट कहा कुछ बच्चों ने बैडमिंटन कहा कुछ ने खो खो कहा तो उन्होंने क्या किया अब बच्चों अगर आप होते तो आप किस तरीके से नोट करते क्या हर एक बच्चे के आगे आप नाम लिख के उसका मनपसंद खेल लिखते क्या उससे हमें सहायता मिलती या हमको एक चार्ट बनाते हैं जिससे कि हम देख के ही पता लगा पाए कि वो कैसे होगा तो ऐसे ही डेटा होता है जो हम जिसको हम इकट्ठा करते हैं और उनका हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं हम अब वो भी देखेंगे तो चलिए अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं टीवी देखना हम सभी बच्चों को बहुत पसंद है कोई बच्चे बहुत ज्यादा देर देखते हैं कोई थोड़ी देर देखते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने एक टेबल बनाई हुई है <coughs> उसमें मैंने लिखा है कि बच्चे कितनी देर टीवी देखते हैं और दूसरे रो में मैंने लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन तो कितने घंटे टीवी देखते हैं और कितने बच्चे तो अब आप देख सकते हो जैसे पहले आप देखोगे तो मोर देन सिक्स आवर्स कितने बच्चे टीवी देखते हैं पाँच सिर्फ छह घंटे कितने बच्चे देखते हैं वो तीन तो अब हमें इस टेबल को देख के पता लगाना है कुछ सवाल है अब हमें पता लगाना है कि कितने बच्चे हाउ मेनी चिल्ड्रेन स्पेंड मोर देन सिक्स आवर्स तो मैम अगर आप इस टेबल को देख के आपको बताना हो हमारे बच्चों को बच्चे जो देख रहे हैं वो भी यूट्यूब पर हमें जवाब भेज सकते हैं और साथ साथ आप बच्चे अपने माता पिता साथ भी इसका जवाब जरूर शेयर करें और हमें भी भेजें तो मैम अगर आपसे पूछूं मैं तो मोर देन सिक्स आवर्स कितने बच्चे टीवी देखते हैं मैम पांच बच्चे बिल्कुल तो पांच बच्चे हम बहुत ही इजीली यहाँ लिख सकते हैं कि फाइव चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन सिक्स आवर्स तो छह घंटे से ज्यादा पांच बच्चे देखते हैं अब मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड डैश आर्स इन अ डे तो ज्यादातर बच्चे कितने घंटे टीवी देखते हैं मैम अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको इस टेबल में क्या लगता है कितने बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा मोस्ट चिल्ड्रन जो है कितने ज्यादा घंटे देखते हैं कौन सा हाँ हम इस चार्ट को देखें तो मुझे लगता है कि जो <coughs> चार घंटे हैं हाँ उन बच्चों की जो डिजिट है संख्या वो है वो ज्यादा है वो सबसे ज्यादा है, जी। जी। तो हम इस टेबल को देख के ही पता लगा सकते हैं कि ज्यादातर बच्चे चार घंटे टीवी देखते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड आवर्स इन अ डे क्योंकि ज्यादातर बच्चे वो है कितने अब वो भी हमें पता है क्योंकि वो नाइन है जो कि सबसे ज्यादा संख्या है हमारी टेबल में तो नाइन चिल्ड्रन स्पेंड फोर आवर्स इन अ डे जो कि सबसे ज्यादा बच्चे हैं अब उसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं तो डैश चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन थ्री आवर्स अब ये थोड़ा सा कठिन सवाल है मैम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे बताएंगे मैम ये सवाल है कि कितने बच्चे हैं जो तीन घंटे हाँ. तो तीन घंटे से हुँ. तो ज्यादा चार घंटे भी हो सकता है पांच भी, भी हो सकता है, है। छह भी, भी हो सकता है और छह से ज्यादा भी हो सकता जी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैम मुझे लगता है कि जितनी भी हमारे पास फिगर है तीन घंटे और उसके ऊपर के यानी कि चार पाँच प्लस हम हाँ सभी को प्लस कर देंगे हाँ तो तीन घंटे से ज्यादा अगर हमने देखना है तो चार फोर आवर्स देखने वाले हमारे नाइन चिल्ड्रेन है फिर नाइन चिल्ड्रन के बाद जो पांच घंटे बच्चे टीवी देखते हैं वो सेवन चिल्ड्रेन है अब उसी के साथ जो छह घंटे टीवी देखते हैं वो हमारे तीन बच्चे हैं और जो छह से ज्यादा घंटे टीवी देखते हैं उतने हमारे पांच बच्चे हैं तो हमें ये सारे बच्चे जो है ये मोर देन थ्री आवर्स हो ये तीन घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं तो नाइन सेवन थ्री एंड फाइव तो ये चार घंटे बच्चे जितना टीवी देखते हैं वो नौ थे पाँच घंटे जितना बच्चे टीवी देखते थे वो सेवन थे सिक्स आवर्स देखने वाले तीन बच्चे थे और छः से ज्यादा पाँच तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे ट्वेंटी फोर जी तो सेवन प्लस थ्री टेन टेन प्लस नाइन नाइनटीन नाइनटीन और फाइव हमारे हो ट्वेंटी फोर तो चौबीस बच्चे जो है हमारी जो लिस्ट टी है उसपे बच्चे तीन घंटे से ज्यादा टीवी देखते थे तो हमारे को कितना आसान हो गया इस टेबल को बता के उन प्रश्नों का उत्तर देना ये था एक तरीके से जो हमने डेटा हैंडल किया इस इसमें जो था हमारा डेटा जो था वो टेबल फॉर्म में दिया हुआ था चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं अब एक पहले की तरफ चलते हैं इससे पहले हम और प्रश्नों के जवाब दें ये एक ऐसा सवाल है जो हर बच्चे को सोचना है और हमें यूट्यूब पे या किसी भी माध्यम से हमें जवाब भेजना है तो मैं रीड करती हूँ रिडल का नाम है हमारी पहेली का नाम है हु इज माई फ्रेंड आई हैव अ फ्रेंड विद मी ऑलवेज इन द नाइट्स एंड थ्रू द डेज वेन आई रन ही रनस विद मी समाइम्स आई लीड समाइम्स ही वैन इट्स डार्क ही कैन नॉट बी सीन डू यू नो विच फ्रेंड आई मीन तो चलो हो सकता है बच्चों को इसका जवाब एकदम से ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो hmm. तो हम बच्चों की सहायता करते हैं हु इज माई फ्रेंड हमारी पहली का नाम है मेरा दोस्त है कौन अब मैं एक एक लाइन करके पढ़ती हूँ आई अ फ्रेंड विद मी ऑलवेज एक मेरा दोस्त है जो हमेशा मेरे साथ है इन द नाइट्स एंड थ्रू द डेज मतलब रात को भी और दोपहर में भी वो मेरे साथ है मतलब वो ऐसा दोस्त है जो हर वक्त उसके साथ है वेन आई रन ही रन विद मी मतलब मैं जब भागता हूँ तो वो भी मेरे साथ भागता है समटाइम्स आई लीड समाइम्स ही कभी वो मेरे आगे होता है तो कभी मैं उसके आगे होता हूँ वेन इट्स डार्क ही कैन नॉट बी सीन जब अंधेरा होता है तो वो दिखाई ही नहीं देता लेकिन होता उसी के साथ है बस दिखाई नहीं देता डू यू नो विच फ्रेंड आई मीन तो तुम्हें पता है किस दोस्त की वो बात कर रहा है तो अगर बच्चों ने इसका जवाब हमें सोच के बता दिया है तो भी ठीक है अगर कोई बच्चे को कठिनाई हो रही है तो अब मैं बताती हूँ हमारे इस दोस्त का नाम है हमारी परछाई जी तो उस परछाई को वो हमारा एक दोस्त है जो कि हमेशा हमारे साथ रहता है वो अंधेरे में दिखाई नहीं देता कभी जैसे जैसे समय बदलता है कभी वो हमारे आगे होता है कभी हमारे पीछे होता है तो एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा उसके साथ रहता है तो अब प्रश्न क्या है ये भी पता लगाते हैं अब आप सबको इस जो अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से देखना है और बताना है तो आप ध्यान से देखिए और हमें बताइए मैं भी जवाब देती हूं जल्दी से इसका तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो आई जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है तो सभी से मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हम डेटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है हमें संख्याओं से ही डील करना है या फिर कुछ नंबर ही है जो हमें बताना होगा हो सकता है कोई वर्ड हो कोई अल्फाबेट हो अब मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ कि कौन सा ऐसा लेटर है जो इसमें सबसे ज्यादा बार आया है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अब उसकी सूची भी है जो बहुत बड़ी बनेगी जिसमें ए बी सी डी करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि कितनी बार हर लेटर आया और फिर आप पता लगा सकते हो कि कौन सा सबसे ज्यादा और कौन सा सबसे कम तो अभी हमने इसमें देखा कि आई जो वर्ड है वो सबसे ज्यादा बार आया है उसी तरीके से आप और भी इससे प्रश्न बना सकते हो आप अपनी किसी भी आ, हिंदी या इंग्लिश की किताब खोल कर एक ऐसा पैराग्राफ ले लो और उसमें पता लगाओ कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो सबसे ज्यादा बार आया और कौन सा सबसे कम बार आया तो हमने ये चीज भी देखी हमारे स्मार्ट चार्ट में कि जरूरी नहीं है सिर्फ संख्याओं से ही सीमित हो इसमें और भी कई चीजें आती है तो चलो अब हम चलते हैं अपनी कक्षा में और वहाँ पे बच्चे कर रहे हैं एक फंक्शन की तैयारी कुछ बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं कुछ बच्चे सामान ला रहे हैं कुछ बच्चे सेट की तैयारी कर रहे हैं कुछ कॉस्ट्यूम्स लेकर आ रहे हैं तो हर बच्चा जो है हमारी कक्षा में कोई ना कोई कार्य कर रहा है अब बच्चों की संख्या भी हमें दी हुई है हमें यहाँ पे एक चार्ट दिया है उसका नाम है ड्रामा चार्ट तो एक्टिंग जितने बच्चे कर रहे हैं हमने उसको कुछ संख्या ना दिखा के हमने ट्राइंगल से दिखाया है और जो एक ट्राइंगल आप देख सकते हो उसका मतलब है तीन बच्चे यानी एक ट्राइंगल एक बच्चा नहीं तीन बच्चों की तरफ इशारा कर रहा है और जैसे कलेक्टिंग ड्रेसेस हैं अब उसमें आप दो ट्राइंगल देख सकते हो तो अब आप बताओगे कि दो ट्राइंगल में कितने बच्चे हो जाएंगे अगर एक ट्राइंगल में तीन है तो दो ट्राइंगल में छह हो जाएंगे उसी तरीके से हमें अब कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं तो चलो मैम आप भी बच्चों की सहायता करना जी. इन प्रश्नों के उत्तर देने में तो अब हमें पता लगाना है हाउ मेनी अ ड्रामा अब अपनी स्क्रीन पर अगर देखोगे तो तीन ट्राइंगल बने हैं मैं यहाँ बना भी देती हूँ एक दो तीन तो हुँ. ड्रामा आ, ड्रामा की तरफ दिखाने हुँ. के लिए ड्रामा यानी एक्टिंग करने के लिए हुँ. तीन ट्राइंगल्स बने हैं तो तीन ट्राइंगल्स का क्या मतलब हुआ क्या तीन बच्चे नहीं क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक ट्रायंगल जो है वो तीन बच्चों का नौ बच्चे, तो बच्चे नाइन चिल्ड्रन मैं यहाँ लिख भी देती हूँ चलिए अब मैम ने तो बहुत सही उत्तर दे दिया अब हमें पता लगाना है विच इज मोर चिल्ड्रन मेकिंग सेट्स और दो एक्टिंग अब इसका प्रश्न तो हम स्क्रीन पर देखकर ही बना सकते हैं कि जो बच्चे सेट बना रहे हैं वो ज्यादा है या वो जो एक्टिंग कर रहे हैं मैम इसके लिए तो हमेशा गिनने की भी जरूरत नहीं है कि कितने बच्चे हम स्क्रीन पर देख के ही बता सकते हैं जो पहले हुँ. दिया हुआ है एक्टिंग और जो लास्ट में मेकिंग द सेट हुँ. दिया है तो इसमें से अगर आपको देख के बताना हो कि कौन सा ज्यादा है तो आप कैसे बताएंगे मैम क्योंकि एक ज्यादा है एक्टिंग में बिल्कुल तो एक्टिंग जो बच्चे कर रहे हैं वो ज्यादा है तो एक्टिंग वाले बच्चे हम लिख देते हैं वो ज्यादा है अब उसी तरीके से विच इज बिंग डन मोस्ट बाय द स्टूडेंट्स कौन सा ऐसा काम है जो बच्चे सबसे ज्यादा कर रहे हैं hmm. तो अगर आपको टेबल में से देख के बताना हो कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं वो भी आप बिना गिने भी बता सकते हो hmm. क्यों क्योंकि इसमें ट्राइंगल ज्यादा है राइट right. बच्चे जो है वो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं वो हाँ. बारह बच्चे हैं तो सब सबसे ज्यादा बच्चे उसी में हैं। तो मैम ने बहुत जल्दी कैलकुलेट भी कर लिया जो बच्चे म्यूजिक कर रहे हैं मेरा अगला सवाल यही था बच्चों से कि अगर हमें गिनना हो तो इसमें चार ट्राइंगल हैं और अगर एक ट्राइंगल तीन बच्चों का ग्रुप दिखा रहा है तो चार कितने हो जाएंगे तीन तीन छ और तीन नौ नौ और तीन बारह तो कुल बारह बच्चे हैं जो कि म्यूजिक प्ले कर रहे हैं अब उसी के साथ हमारा आखिरी प्रश्न है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस तो ये बहुत ही ईजी है कि छः बच्चे क्योंकि इसमें दो ट्राइंगल दिए हैं उसमें हम लिख सकते हैं सिक्स चिल्ड्रन सिक्स चिल्ड्रेन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस तो हमने देखा कि हमने इस टेबल को देख के बहुत ही ईजिली बता दिया अब यहाँ पे वो टेबल ऐसी नहीं दी हुई थी जैसे हमने पहले देखी जिसमें हमने टी वी के घंटे देखे थे अब यहाँ पे जो था यहाँ पे हमने ट्रैंगल्स का इस्तेमाल किया था और इस टेबल को रीड करना भी बहुत आसान था अब ज्यादा बच्चे दिखाने के लिए जैसे यहाँ बारह बच्चे अगर दिखाना थे तो हमें बारह कुछ नहीं दिखाना बड़ा हमने हर एक ट्रायंगल को तीन दिखाया उनके समूह में हमें सिर्फ चार ट्रायंगल लगाने पड़े तो ये जो हुआ ये एक और चार्ट हो गया अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये हमारी दूसरी कक्षा है अब इस कक्षा के बच्चे क्या कर रहे हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज में है लाइक कुछ बच्चे गार्डनिंग करते हैं कुछ गेम्स क्लब है और कुछ ड्रॉइंग क्लब है तब उनको दिखाने के लिए ना तो कोई इन्होंने टेबल बनाई ना इन्होंने कोई ट्रायंगल का इस्तेमाल करके हमें एक टेबल दूसरी टेबल दी यहां पे एक चपाती चार्ट बनाया चपाती चार्ट क्या होता है चपाती चार्ट जो है गोल होता है अब गोल उसमें क्या करते हैं वो उसको चार हिस्सों में बांट दिया पहला क्वार्टर जो एक चौथाई है अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये एक क्वार्टर हो गया हमारा ये दूसरा क्वार्टर हो गया ये तीसरा क्वार्टर हो गया और ये चौथा क्वार्टर हो हमने क्या किया एक सर्कल अगर हम ऐसे भी बनाएंगे मैं यहाँ पे एक अलग से बना देती हूँ उसको हमने चार भाग में पार्ट दिया अब यहाँ पे बहुत आसानी से दिया हुआ है जो आधा सर्कल है वो गेम्स क्लब है मतलब जो ये वाला क्लब आप देख सकते हो ये गेम्स क्लब है मतलब अगर कक्षा में जितने भी बच्चे होंगे उससे आधे बच्चे जो है अगर बीस बच्चे हैं तो दस बच्चे क्या कर रहे होंगे गेम्स क्लब में होंगे और उसी तरीके से जो बाकी आधे बच्चे मतलब जो दस बच्चे बचे उसके आधा मतलब दस का भी आधा पांच बच्चे गार्डन क्लब में चले गए और पांच बच्चे ड्राइंग क्लब में तो आपने देखा कि हमने एक सर्कल को चार हिस्सों में बांटा उसमें से हमने जो सर्कल का आधा हिस्सा था उसको तो हमने गेम्स क्लब में दे दिया और जो दस का ये आधा बचा सर्कल का मतलब जो आधा बचा इसका आधा हमने एक तो गार्डन क्लब को दे दिया और दूसरा हमने ड्राइंग क्लब को दे दिया इस तरीके से हमने अब टाली मार्क्स का इस्तेमाल ना करके ना हमने उस टेबल का इस्तेमाल करा हमने एक चपाती चार्ट यानी पाई चार्ट का इस्तेमाल करके बच्चों की संख्या और उनके क्लब को दिखाने की कोशिश करी तो अगर अब मैं आपसे सवाल को थोड़ा सा कठिन कर दूँ अगर हमारी कक्षा में कुल 200 बच्चे हैं मतलब तो अगर आप पांचवी कक्षा में देखें कि कुल 200 बच्चे हैं तो उसमें से गेम्स क्लब में कितने बच्चे होंगे अगर 200 बच्चे टोटल है हुँ. तो उसमें से अगर हम बात कर रहे हैं कि आधे बच्चे गेम्स क्लब में हैं तो मैम आपको क्या लगता है अगर 200 बच्चों में से आधे बच्चों आधे कक्षाओं ने गेम्स क्लब ज्वाइन कर लिया तो कितने बच्चे होंगे कुल गेम्स क्लब के मैम 200 बच्चे अगर हमारे हाँ. पास हैं जिन्होंने आधो ने ज्वाइन कर लिया गेम्स क्लब तो सौ बच्चे सीधे सीधे चले जाएंगे बिल्कुल अगर हम यहाँ लिखे तो सौ बच्चे जो है हमारे सेवन स्टूडेंट्स

चार्ट को देख के भी हमने कितनी जल्दी बता दिया कि अगर 200 है तो 100 गेम्स क्लब में 50 गार्डन क्लब में और 50 ड्राइंग क्लब में अगर मैं यही 400 सौ बच्चे कहूँ अगर हम अगर हम ऐसे ही कहें कि 400 बच्चे हैं तो भी हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि अगर 400 है तो आधे अगर गेम्स क्लब में है मतलब दो हो गए गेम्स क्लब में और इसमें से बच्चे दो बच्चे सौ बच्चे गेम्स क्लब और गार्डन क्लब में और सौ हमारे हुए ड्रॉइंग क्लब में तो हम जितनी भी संख्या लें जितने भी बच्चे बढ़ जाए हम इस चार्ट को देखकर बहुत बता सकते हैं तो चलिए अब हमने एक तो बनाया अब हम दूसरा बच्चों से खुद बनवाएंगे तो मैम आपको स्क्रीन पर देख के क्या लग रहा है मैम मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बच्चों को कुछ बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और बच्चे टी कॉफी या फिर दूध इसमें से उनको चॉइस दिया जाएगा कि बच्चे क्या पसंद करते हैं क्योंकि हर बच्चे की चॉइस अलग अलग होती है हाँ। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमने एक कक्षा के बच्चों से पूछा कि आपको क्या पीना पसंद है बीस बच्चों ने कहा कि उनको दूध पीना पसंद है दस बच्चों ने कहा कि उनको कॉफी पीना पसंद है और दस बच्चों ने कहा कि उनको चाय पीना पसंद है अगर मां मैं मैं आपसे पूछूं कि टोटल बच्चों की संख्या कितनी है तो वो हो जाएगी चालीस हाँ तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो है फोर्टी अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चिल्ड्रन जिनको दूध पसंद है क्या वो आधे हैं या एक चौथाई है पूरे टोटल से मैम वो एग्जैक्ट मेरे ख्याल से आधे हैं हाँ तो जिनको दूध पसंद है वो ट्वेंटी है हुँ. ठीक है और अगर मैं इसको यहाँ एक चार्ट पाई चार्ट से बनाने की कोशिश करूँ तो अगर हमारी क्लास है तो उसमें से अगर चालीस बच्चे पूरे हैं मतलब अगर हुँ. हम चालीस हैं तो अगर हम उसको चार पार्ट में बांटे तो ये दस हो गए दस दस और दस तो ये हमारे चालीस बच्चों को हमने चार हिस्सों में बांट दिया अगर हम कह रहे हैं कि बीस बच्चों को दूध पसंद है तो बीस बच्चों को दिखाने के लिए हमारे हो गए दस और दस तो बीस बच्चों को मिल्क पसंद है यानी दूध पसंद है और दस बच्चे हुए जिनको कॉफी पसंद कौफी। है तो यहां पे मैंने लिख दिया कॉफी और कितने बचे अब हमारे हमारे दस बच्चे दस बच्चे बचे बच्चे बच्चे उनको हम चाय से दिखा देते हैं जी तो अब हमें क्या करना है अब हमें दो सवालों के जवाब देने हैं जी सवालों के जवाब हम जरूर आपसे सुनेंगे लेकिन मैं आपको बता दूं कि चार मिनट के पास शेष है तो बस ये आज का आखिरी सवाल है बच्चों के लिए बच्चों को अब बताना है कि बच्चों जिनको दूध पसंद है वो वन हाफ है या वन फोर्थ है टोटल बच्चों से तो अगर हमारे चालीस बच्चे कुल है और अगर हम बीस की बात करें अगर हम इस चार्ट को भी देखने की कोशिश करें तो इस सर्कल का बिल्कुल आधा हिस्सा है जिन बच्चों को दूध पसंद है तो हाफ हम इजीली कह सकते हैं कि जिन बच्चों को मिल्क पसंद है वो हाफ है टोटल बच्चों से और जिन बच्चों को कॉफी पसंद है मैम आपको देख के क्या लगता है कि वो हाफ है या वन फोर्थ है मैम मुझे लगता है कि वन फोर्थ है बिल्कुल क्योंकि वो हमारे इस सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है जिनको कॉफी पसंद है तो जिन बच्चों को कॉफी पसंद है वो वन फोर्थ है टोटल चिल्ड्रन से हुँ. अब बच्चों को बताना है कि उनके घर में अपने आसपास भी वो लोगों से बातचीत करें और पता लगाए कि लोगों को क्या पसंद है कॉफी पसंद है चाय पसंद है या वो कोई भी ऐसा खेल खेल सकते हैं जिसमें हुँ. वो अपने आसपास के लोगों से पूछे कि उन सबको क्या पसंद है उसी तरीके से एक जरूरी नहीं है हमें तीन से चार चीजें चाहिए आप ये भी पूछ सकते हैं कि किनको बारिश में भीगना पसंद है और किन को बिल्कुल भी नहीं पसंद और hmm. पत उसको भी हम पाई चार्ट से दिखा सकते हैं जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ एक छोटा सा चार्ट बनाया है जिसमें मैंने यहाँ पे हरे रंग से लिखा है जिन बच्चों को आ, ये वाला हिस्सा ये पूरा हिस्सा जो है ये आप देख सकते हो जिनको बारिश में भीगना पसंद है hmm. और ये जो एक चौथाई हिस्सा है जिनको बारिश में भीगना बिल्कुल नहीं पसंद तो जरूरी नहीं आपको चार चीजें या कुछ एक लिमिटेड अमाउंट चाहिए होगा अब दो चीजें भी पूछ सकते हो किनकी वो पसंद है किनकी वो नापसंद है और आप उससे एक चार्ट बना सकते हो और अगर मैं इसमें संख्या डाल दू तो भी बच्चे बता सकते हैं कि वो कितने बच्चे होंगे तो हमने देखा हमने तीन तरीके के आज चार्ट देखे हमने देखा कि कुछ टैबुलर चार्ट्स होते हैं कुछ होते हैं जिसमें हम टैली बनाते हैं और कुछ होते हैं पाई चार्ट हमने देखा कि अगर हम डेटा कोई भी ले लें कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा हम कर लें उसको दिखाने के तरीके से हमारे लिए है क्यों जी टीचर से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हें एक कक्षा अच्छी लगी होगी और उन्होंने भी कुछ आगे अपनी कक्षा में कराने के लिए कुछ दिलचस्प एक्टिविटीज मिली होंगी जी आ, हमें भी पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चों के साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारे साथ जुड़े उन्हें ये सेशन पसंद आया होगा आपने बहुत ही अच्छे से चार्ट्स के बारे में बताया और क्यों वो इतने स्मार्ट होते हैं ये भी हाँ। हमें पता चला कि चार्ट भी स्मार्ट होते हैं बच्चों आप इस चार्ट को घर पर ज़रूर प्रैक्टिस करें और अपना फीडबैक आप हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे ई मेल हमारा ई एड्रेस है डी टी आप हमारी एक्सपर्ट मानसी का नाम जरूर उसमें मैंशन करें और आज की डेट लिखें और अपना फीडबैक हम तक पहुँचाएँ इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे लेकिन जाने से पहले हम अपने एक्सपर्ट मिस मानसी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो आए और आपने हमारे बच्चों को इतने अच्छे तरीके से ये सब चीजें बताई बहुत बहुत धन्यवाद इसके साथ ही आप सभी से हम इजाजत लेना चाहेंगे और आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं लेकिन ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे जो है वेबिनार जिसमें हम बात करेंगे आज एक आई सी टी अवार्डी की कौन है वो आपको बताया जाएगा लेकिन बस कुछ ही समय बाद अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत नमस्कार